कोई भी सैन्य अभियान तभी पूर्ण माना जाता है जब शत्रु के ठिकाने को सुरक्षा बल पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। रेड, कैसो आदि किसी कार्रवाई के अंत में शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद करना एवं उसके ठिकाने और हथियार आदि पर कब्जा करने के लिए सुरक्षा बल को शत्रु के ठिकाने में प्रवेश करना पड़ता है। सुरक्षा बल द्वारा की गई इस कार्रवाई को रूम इंटरवेंशन कहते हैं। सुरक्षा बल का दस्ता टैक्टिकली मूव करते हुए संदिग्ध मकान के पास पहुंचता है और संदिग्ध मकान के चारों तरफ घेरा लगा लेता है। इस प्रक्रिया को कॉर्डन कहते हैं। इनर कॉर्डन पार्टी के अपने स्थान पर लगते ही हिट टीम का टीम लीडर टीम को माउंट होने का आदेश देता है। आदेश मिलते ही पूरी टीम टैक्टिकल मूवमेंट के लिए माउंट हो जाती है। हिट मूव के आदेश पर पूरी टीम कैटरपिलर पोजीशन को अपनाते हुए चुस्ती एवं दुरुस्ती के साथ अच्छे तकनीक का परिचय देते हुए टारगेट हाउस की ओर अप्रोच करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त जवान चौकन्ने व दुरुस्ती के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। रूम इंटरवेंशन टीम के जवानों की कुछ खासियत होती है, जैसे वह धैर्यवान होना चाहिए, पहल करने वाला और साहसी होना चाहिए। वह लचीली शारीरिक अवस्था चुस्त एवं फुर्तीला हो, निडर और आक्रामक हो। रूम इंटरवेंशन टीम के जवान दुश्मन की नज़र से बचने के लिए उपलब्ध आड़ू का उपयोग करते हुए टैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। यह जवान 360 डिग्री कवर करते हुए टारगेट हाउस के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं।
नंबर एक और नंबर दो जवान दरवाजे की एक तरफ तथा नंबर तीन और नंबर चार जवान दरवाजे के दूसरी तरफ सतर्कतापूर्वक खड़े हो जाते हैं। नंबर तीन दरवाजे को खोलता है और नंबर एक ग्रेनेड को रूम के अंदर फेंकता है। जैसे ही ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, उसके चंद सेकेंड बाद हिट का पहला बड्डी रूम के अंदर प्रवेश करता है, रूम के अंदर टारगेट को बर्बाद करता है और साथ ही यकीन करता है कि रूम क्लियर है। जैसे ही पहला बड्डी रूम क्लियर का आवाज़ देता है, दूसरा बड्डी रूम में प्रवेश करता है और दूसरे कमरे में छुपे हुए दुश्मन को बर्बाद करता है और अंतिम बड्डी को रूम के अंदर आने के लिए आवाज़ देता है। आखिरी बड्डी तेजी और सुरक्षा को पूरा ध्यान रखते हुए बिल्डिंग की छानबीन करता है और बैक एंट्रेंस को क्लियर करता है। साथ ही लीडर पूरी बिल्डिंग का क्लियरेंस देता है और हिट टीम बिल्डिंग से बाहर निकलती है। रूम इंटरवेंशन एक बहुत ही जोखिम भरा अभियान है, इसीलिए ज़रूरी है कि रूम इंटरवेंशन टीम को अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो और रूम इंटरवेंशन करने के लिए वह टीम पूरी तरीके से अभ्यस्त हो। और यहाँ रूम इंटरवेंशन का डेमो समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।